हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। तो इस बार की करवा चौथ मेरी थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार मेरी प्रेगनेंसी और थर्ड ट्रिमेस्टर चल रहा है, बिल्कुल 9 मंथ ही रनिंग है, कब डिलीवरी हो जाए कुछ भी नहीं पता है। तो इस बार थोड़ा अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि वैसे तो मैं पूरे टाइम फास्ट रहती हूँ, पानी भी नहीं पीती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ज़्यादा देर भूखी नहीं रह सकती हूँ। पहले कपड़ा मत उतारे, नाली तो नताते कपड़ा खाए के उतारते नहीं, कुछ नहीं उतारते, ये खाना खाएगा सो उतार दो कपड़ा। अभी चाय और ड्राई फ्रूट्स खा के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रिलीफ मिल गया है, वरना टम्मी में दर्द हो रहा था और इतना ज़्यादा एसिड बन चुका था ना कि आज मैंने 2 बार वोमिटिंग कर ली है, पर अब सही लग रहा है कि मैंने कुछ खा लिया है। वैसे मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ खाने का, पर ठीक है, अपने बेबी को भी मुझे देखना है तो मैंने ड्राई फ्रूट्स और चाय पी लिए। अभी थोड़ी देर में रेस्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैंने कोई कपड़े डिसाइड भी नहीं किए मैं क्या पहनने वाली करवा चौथ पे। तो एक नया लहंगा पड़ा हुआ है तो उसमें मुझे स्टिचिंग करनी है, तो मैं उसके बाद वो काम करती हूँ। अभी मैं अपना ये लहंगा स्टिच कर रही हूँ और ये रात को पहनने वाली हूँ और दिन के कपड़े भी डिसाइड करती हूँ। सच में इस बार ना सब कुछ ऐसा हो रहा है, वरना पहले से सबको डिसाइड करके रखती थी, इस बार बस ऑन द स्पॉट उसी दिन ही डिसाइड करती हूँ क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो अभी फटाफट से इसको सिल लेती हूँ और उसके बाद दिन में क्या पहनना है कथा पढ़ते टाइम वो डिसाइड करती हूँ। मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए हर साल करवा चौथ का व्रत रखते हैं, मैं उन्हें बहुत मना भी करती हूँ पर वो नहीं मानते हैं। तो इस बार तो हम दूर दूर हैं, तो मम्मी के मन में सवाल आ रहा है कि उन्होंने व्रत रखा है नहीं रखा है, तो मैं डायरेक्ट मम्मी की वीडियो कॉल पर बात कराती हूँ और उनसे, और मुझे भी पता लग जाएगा और मम्मी को भी और आप सभी को भी कि इस बार उन्होंने व्रत रखा है या नहीं रखा है। क्या बना लिया आज? क्या बना लिया? हवा बनाइए कह रहे हैं। क्या बनाइए? बिरासा सास को तो मंच के देते नहीं कुछ, सास को मंच के देते नहीं, तुम व्रत रहते हो। ये तो क्या लड़की दे रखी है? मुझे क्या लड़की दे रखी? लड़की मैंने आप दे रखी, आप मुझे देखकर ना मेरे का दे रखी था आपकी, ये ले जा, मैं मना करी ले, अपनी गंज में छोड़ रखी मेरे पास, जो था मेरा क्या काम कर रही है ये था, मुझे कोई सहारा नहीं है इसका। मेरी बहु रोटी बना के दे, मैं अपने आप चाय पानी बना लूं, मेरे ये क्या कर रही है मेरे लिए बता, खा और रही है मेरी तो रोटी है। तुम बात क्यों घुमा रहे हो? रखा है क्या बात? और क्या रखा है औरत? सच सच बताओ। हाँ, मंस के भेज दिए साड़ी ब्लाउज। मम्मी कह रही है साड़ी ब्लाउज दे देना, मंस ना पड़ता है ना व्रत रखते हैं तो। जल्दी बताओ व्रत रखा है? हाँ, साड़ी जल्दी मच जाएगी और किसी ना दिन व्रत रहोगे तो। देख लो उल्टा काम कर रहे हो। हम लोग करवा चौथ के लिए तैयार हो चुके हैं और मम्मी को रेडी करना है, मम्मी सबसे लास्ट में। लड़की ने मैं ब्लॉग बना रही थी और मेरे ऊपर सांप फेंक दिया, मैं बहुत ज्यादा डर गई इतना कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है। हम सब रेडी हो चुके हैं और मम्मी कह रही है तुम 1 घंटे से तैयार हो रहे हो, मैं 10 मिनट में तैयार हो चुकी हूँ। मैं 10 मिनट में तैयार हो गई, इन दोनों से सुंदर नहीं लग रही तो बता दो मुझे, है ना एकदम नई नवेली है। और हम करवा माता को तैयार करेंगे, तो ये करवा माता तैयार की है शोना की मासी ने और हम इनका श्रृंगार करने वाले हैं। करवा माता को तैयार करने से पहले याद आ जाता है कि मैंने करवे तो तैयार किए नहीं थे, तो इन करवों में जल भर रही हूँ अभी और इसके बाद इनको तैयार भी करना है। कहने का मतलब है इनको भी हल्दी से हम यहाँ पर सतिया लगाते हैं और पूरे 5 सतिया लगाने होते हैं, उसके बाद हमें मौली बांध लेते हैं, तो मेरे करवे तैयार हो जाते हैं और इन करवों को तैयार कर कर मैं ले जाती हूँ सीधा माँ के पास और उनके चरणों में रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पूरा माता का अच्छे से श्रृंगार विंगार कर चुके हैं, अब बारी थी हम सबकी महावर लगाने की, तो यहाँ पर मेरी चाची मुझे महावर लगा रही है क्योंकि मुझसे झुका नहीं जा रहा था लगाने के लिए। महावर लगाकर कहानी पढ़ने बैठ जाते हैं और सबको कहानी मैं सुनाती हूँ। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई, सेठ ने कहा हम 13 सोने का गणेश कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश करा दिया, सेठ की दीवार सीधी हो गई, जैसे सेठ की दीवार सीधी हमारे पहले गणेश जी कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद करवा माँ की कहानी पढ़ने के बाद, और ये रस्म भी आप सभी करते होंगे जिन जो जो कहानियाँ पढ़ता है उसके बाद हम आपस में करवे चेंज करते हैं। और यहाँ पर शोना मेरी गोद में था तो बड़ी मुश्किल से मैं करवे चेंज कर पा रही थी, थक चुकी थी मैं करवे चेंज कर करके। तो कथा
वगैरह हमने पढ़ लिया, सूरज को अर्घ भी दे दिया है और अब चाची और मम्मी भाभी सब लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं और मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ अभी क्योंकि हालत थोड़ी ख़राब सी लग रही है। एंड अभी मन नहीं कर रहा कि मैं चेंज करूँ, तो मैं सोच रही हूँ इन्हीं कपड़ों में ही रात की पूजा भी कर लूँगी। बिल्कुल मन नहीं हो रहा कि फिर से आउटफिट चेंज करूँ, तो अभी रेस्ट करती हूँ और इन्हीं आउटफिट में आज पूजा करने वाली हूँ। फिर तो इस बार हस्बैंड दूर है तो उन्हें वीडियो कॉल लगा ली और चांद निकलने के बाद जो उनका चेहरा है वीडियो कॉल पर ही देख लिया मैंने। ये पानी नहीं पी रहे थे क्योंकि हैदराबाद में चांद नहीं निकला था और यहाँ पे चांद निकल चुका था, तो पानी दोनों जगह पे निकल चुका है, तो हम दोनों पानी पी रहे हैं। तो ये हमारी ऑनलाइन तो ये हमारी ऑनलाइन वाली करवा चौथी जो हम इस तरीके से सेलिब्रेट कर देते हैं। और अब बस मैं इसको पी के रहती तो उल्टी करने वाली थी, बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है। और उस पर खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल को डॉक्टर के पास जाना है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।